सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान आंदोलन की धधक कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों ने आज एक दिन के उपवास पर जाने का ऐलान किया है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। आज शाम 5 बजे तक किसान भूख हड़ताल करने वाले हैं। आंदोलन के 18वें दिन सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने एक बैठक की थी, जिसके बाद किसानों ने एक दिवस से भूख हड़ताल का ऐलान किया। उपवास के साथ साथ किसान आज सभी जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर किसान आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसानों के कंधे के सहारे गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। और किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एक दिन का उपवास रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपवास से ठीक पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है और पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों से भी किसानों के समर्थन में आज उपवास रखने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा, आंदोलन करने वाले किसान देशद्रोही नहीं है। केजरीवाल के साथ कई नेता, कार्यकर्ता भी उपवास करेंगे। आंदोलन में शामिल सभी किसान संगठनों के नेता भी उपवास करेंगे। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि किसानों को देशद्रोही कहना गलत है, ऐसा कहकर किसानों का अपमान किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अहंकार छोड़कर देश और किसानों के हित में कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करें। और लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन की तैयारी है। किसान संगठन के अलग अलग गुटों को अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसान आंदोलन की आज अब सांसदों के घर तक पहुंच चुकी है। किसान आंदोलन के 19वें दिन आज प्रदर्शनकारी किसान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास का घेराव करने वाले हैं। किसानों ने बीजेपी नेताओं के घरों पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दिलकुश आवास का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारी सांसद कौशल किशोर के घर का भी घेराव करने वाले हैं। सांसदों के घरों के घेराव के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 बिलों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। फिलहाल बीजेपी के सांसद और विधायकों के आवास के घेराव को लेकर यूपी पुलिस और LIU की टीम एक्टिव। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।